तो गाइस आज हमारे घर में बहुत सारी चिड़िया दाना खाने के लिए आ रखी है। देखो पापा ने सुबह वहाँ पे चावल के बीज डाले थे ना, तो जैसे सारी की सारी बहुत सारी चिड़िया आ रही है यहाँ पे, घिंडुड़ी आ रखी है, इनको गौरैया भी बोलते हैं ना मम्मी। कितने दिनों के बाद आई, देखो आज माँ की औरतें सारी आ रखी है, ये देखो। और यहाँ पे जिम्मी उधर सो रखा है, रात भर बेचारा पता नहीं कहाँ जा रहा था। उड़ गई सबके से पता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम है आप सबका बहुत दिनों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस मिलिए मेरी मम्मी से, मम्मी को सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो हमारे प्यारे, कैसे हो हमारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, ठीक है। सो गाइस आप लोगों का फिर से एक बार आज आप लोगों का आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस आज है संडे मॉर्निंग और बारिश भी हो रही है जैसे की, तो मौसम है आज का जो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है ना, और बारिश भी, रात को बारिश थी, झमाझम बारिश हुई कि क्या बताएं, ठीक है गाइस। अभी हम थोड़ा बाहर इधर साइड आ रखे हैं अपने खेतों के साइड, तो आज लोगों को आप लोगों को अपना आसपास का चीजें दिखाने वाले कि हमारे पेड़ पौधे कैसे हैं और आजकल क्या क्या नई चीजें हो रही हैं। तो आप लोगों को हमने कब से नई अपडेट नहीं दी, तो इसलिए हम आज नया ब्लॉग शूट कर रहे हैं चीज के बारे में। तो गाइस आप सब पीछे देख ही सकते हैं, देखो कितनी हरियाली हो रही है चारों तरफ है ना, पेड़ कितने हरे भरे हो गए हैं। और वही तो, और हमारी ना देखो पीछे आपको दिख रहा होगा पौध, वहाँ पे हमारी पौध भी लग चुकी है, तो अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, ठीक है, कि खेत सारे के सारे कितने सुंदर और कितने हरे भरे दिख रहे हैं। और आप लोगों को मैं अपना आज नींबू का पेड़ भी दिखाने वाली, चलो गाइस फिर देखते हैं। तो गाइस देखिए ये रहा हमारा नींबू का पेड़, देखो हमारे नींबू कितने बड़े हो चुके हैं गाइस। जब आपको मैं पिछले से बहुत एक ब्लॉग बनाया था जब मैंने, जिसमें कि मैंने सारी अपनी सब्जियां दिखाई थी, तो उसमें आपने देखा था उस टाइम पे नींबू का पेड़ एकदम खाली था, और अभी इसका मौसम आ चुका है, तो जितने की जो नींबू थे छोटे छोटे वो सबके सब बड़े हो चुके हैं, देखिए गाइस। और खूब पूरा का पूरा पेड़ हमारा भर चुका है नींबू ही नींबू से, सब देख सकते हैं गाइस। ये देखिए गाइस कितने सारे नींबू आ चुके हैं पेड़ पे, और अभी थोड़ी देर में आपको मम्मी नींबू के जो लाभ होते हैं वो आपको समझाने वाली है, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है मम्मी आप तैयार हो? फिर स्टार्ट करते हैं ना, आप बताने वाले थे कुछ। देखो गाइस गर्मियों के, खासकर गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए, नींबू पानी और सुबह गर्म पानी के साथ, या बालों में लगाओ, फेस पे लगाओ, हर चीज के लिए। और जो हमारे सिर में होती है रूसी, उन सबको गायब कर देता है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों ने जान लिया मम्मी से नींबू क्या क्या लाभ होते हैं, तो ठीक है गाइस अब हम चलते हैं छत की तरफ, और आपको छत से हम दिखाने वाले हैं आज का मौसम कितना प्यारा हो रखा है, और अपने आसपास के जो हमारा गांव है वो भी दिखाने वाले, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। तो गाइस हम चल रहे हैं छत की तरफ, और चलिए यहाँ से हमारी सीढ़ी है ऊपर जाने की, तो अब हमारी एक नई सीढ़ी बन चुकी है बाहर से, पहले अंदर से थी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है वो भी, और छत पे चल के आपको आज का बाहर का मौसम दिखाते हैं कितना प्यारा हो रखा है। तो देखिए गाइस आप देख सकते हैं पूरे सारे खेतों में पौध लग चुकी है, हमारे आसपास जितने भी जो लोग हैं हमारे जो परिवार वाले हैं सबने पौध लगा लिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं छत की तरफ डायरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा कुछ दिनों पहले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो अभी हाल फिलहाल में खत्म हो चुका है, तो अभी थोड़ा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। आज बहुत दिनों के बाद हम छत मार के, वाओ मम्मी आपको कैसा लगा छत मारने के बाद आज दोनों के दिनों के बाद? बहुत बढ़िया है। तो चलिए गाइस आप लोगों को हम आज आसपास का व्यू दिखाते हैं, और हमारे जो आसपास का जो हमारा गांव है पूरा दिखाते हैं, ठीक है आपको। अभी पहली बार आज हम यहाँ पे आके ब्लॉग में आ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस ऊपर पहाड़ों में कितना ज्यादा कोहरा लगा हुआ है, धुंध जमा ची हुई पूरी है ना मम्मी, कितना सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं खेत कितने हरे भरे हो रखे हैं, सब लोगों ने पौध लगा दिए हैं, हमने भी लगा लिए और बाकी सब लोगों ने भी लगा लिए हैं, और नीचे कुछ लोगों के भी लग रही है पौध अभी। तो मम्मी आप जरा कुछ बताओगे, बताओ फिर। खेत सूख गए थे तो आज जरा प्यारी भर गई, रात को जब बारिश हुई ना सुबह से हम जरा रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए, बहुत खुशी। वही तो, वरना इतने दिनों से खेत सूखे हो गए थे, पानी भी मिल नहीं रहा था ना कहीं से,
तो भगवान जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, थैंक यू भगवान जी सो मच। और ये वाली रही हमारी कैरी है ना, लबालब भरी हुई। हाँ सारी पौध लग चुकी है हमारी भी, ये देखिए। तो कैसा लगा गाइस, आप लोगों को, आप लोग भी पौध लगाते हैं अगर, तो जो जो पौध लगाता है प्लीज हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। और ऊपर देखो मम्मी, जो खेत थोड़े दूर के ना वो ज्यादा हरे लग रहे, पास वाले हुए ना पानी चमक जाता है, लेकिन जो दूर वाले होते थे उसमें उनको एक महीना, हाँ उनको एक वो थोड़ा पहले भी लग गए थे ना, तो कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितने हरे भरे लग रहे हैं खेत सारे के सारे, वाह। और आसपास का जो हमारा ये इलाका है बहुत ही सुंदर लग रहा है आजकल, पूरा हरा भरा हो रहा है। मार्केट खाते थोड़ा घूमने जा रहे हैं, थोड़ा मौसम का मजा भी लेने रहे। तो गाइस अभी ना मुड़ा हमारे पुल पे, तो आप देख सकते हो, देखो गाइस मौसम कितना प्यारा हो रखा है, चारों तरफ देखो, ऊपर देखो कड़वा श्रम के साइड कितने बादल जमे हुए हैं गाइस, वाओ इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और देखो यहाँ पे नदी चल रही है, माला नदी चल रही है, आज पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा हो रखा है बहाव पानी का। और बाकी आप देख सकते हो मौसम कितना प्यारा हो रखा है, पूरा व्यू दिखाया है कितना सुंदर व्यू रखा है, तो व्यू तो हमने देख लिया गाइस। चलो अब चलते हैं बाजार के साइड, मार्केट साइड चलते हैं और फिर आपको मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो बाय टाटा। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मौसम तो इतना प्यारा हो रखा है, ऐसे में तो मोमोज खाने का मन बिल्कुल करता ही करता है, तो अभी हम ना मोमोज खा के आए और साथ में कुल्फी भी खा के आए। उसके बाद हम थोड़ा सिद्धबली साइड घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे हमने थोड़ा अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ना हम बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं उस साइड, तो वहाँ पे हमने थोड़ी फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, लेकिन तब तक आप लोग यहाँ का मौसम देखिए, ठीक है। पूरे कोटद्वार का जो आज व्यू है वो बिल्कुल कितना अलग ही हो रखा है, जो आज की जो वाइब है ना वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को वर्ड्स में नहीं बता सकती, ठीक है। मतलब मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, ओ माय गॉड, सबसे प्यारी चीज़ थी आज शाम की, ठीक है। आज की जो इवनिंग की बहुत ज़्यादा मस्त थी, एकदम अच्छे से स्पेंड हुई। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, और तब तक आप देखिए कोटद्वार के नज़ारे, ठीक है गाइज। अगर आप लोगों ने काफ़ी दिन से नहीं देखा है तो आप तब तक देख लीजिए, और बस यूँ ही मज़ा लीजिए आज के ब्लॉग का, ओके गाइज। तो अब हम आ गए हैं घर पे, और अब हम फटाफट से रात के खाने की तैयारी करेंगे। तो ठीक है गाइज, आप लोगों को आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके। और अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज गाइज, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना प्लीज गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज, आप लोगों को भी अपना ध्यान रखिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।